हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है, पूरा वर्ल्ड अभी कोविड वायरस की जो समस्या है उससे फाइट कर रहा है, जूझ रहा है। और आई एम एन ENT सर्जन, सो हमारे पास भी अभी OPD में इसके रिगार्डिंग नोज की प्रॉब्लम को लेके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। सो देन आई रियलाइज दैट नोज के रिगार्डिंग लोगों में एक एजुकेशन होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। सो एज ए नोज सर्जन, आई स्टार्ट ए प्रोग्राम, नोज केयर अवेयरनेस प्रोग्राम, माई नोज माई लाइफ। सो इन दिस प्रोग्राम वी discuss about the different aspect of the nose, like what is the function of the nose and how can we clean out the nose and how can when we go through the doctor, kab apne ko doctor ke paas jana chahiye, kab nahi jana chahiye. So we discuss about the different aspect of the nose on every Sunday. So friends, today we discuss about the then how we know then our nose is normally work or not. वो कौन सी प्रॉब्लम है जिससे हमें ये पता लगे कि हमें एक नोज सर्जन, एक ENT सर्जन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। सो इफ़ यू आर सफरिंग, अगर आप इन जो ये कॉमन जो प्रॉब्लम है उनसे ग्रसित हैं, लाइक रिकरेंट नेजल ब्लॉकेज, बार बार नोज का ब्लॉक रहना, नोज से क्या है ब्रीदिंग नहीं होना, नोज से क्या है सांस नहीं आता, ठीक है ना। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम नेजल डिस्चार्ज, अगर आपको नाक से पानी आता है, एक बार जुखाम हुआ उसमें नाक में पानी आया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आए दिन हर 15 दिन में, हर महीने में हमेशा आपको नोज से डिस्चार्ज आता है, तो एक यह एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। नाक से पानी आना दैट मीन्स हो सकता है वो एलर्जी के कारण भी आ सकता है, हो सकता है बहुत बार, कई बार सीरियस इंडिकेशन भी होता है, कई बार क्या है कि अपने नोज और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन होने से जो अपना ब्रेन के अंदर जो CSF होता है, अपना ब्रेन जिसमें स्विम करता है, वो किसी कारण से नोज के थ्रू निकलता रहता है, जिसको मेडिकली लैंग्वेज में CSF राइनोरिया कहते हैं। सो इस टाइप की प्रॉब्लम है, वो भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। थर्ड इम्पोर्टेंट कि आपको जो है वो रिकरेंट बार बार गले में पेन होना, गले के अंदर जो है फाउल स्मेलिंग आना एंड माउथ ब्रीदिंग होना, नाक से सांस नहीं आके मुंह से सांस आना, क्योंकि नोज के अंदर जो साइनसेज होते हैं, नाक के अंदर साइनस जो है उनका सारा पानी जो है वो गले में जाता है, और गले के कारण बार बार इस टाइप में क्या है हॉकिंग करके गले को क्लीन करना होता है, जिसके कारण गले में स्वेलिंग आ जाती है और पेन होता है एंड फाउल स्मेलिंग, क्योंकि टॉन्सिल में इन्फेक्शन होने के बाद फाउल स्मेलिंग आती है, जिसके कारण भी अपने को जो है एबनॉर्मल फील होता है। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, इफ़ यू हैव द पेन, लाइक आपको जो फ्रंटल जो रीजन है जो उसमें हेडेक रहता है, और जो चेहरे के जो चीक का जो एरिया होता है वहाँ पे अगर आपको पेन होता है, बिकॉज नोज के दोनों तरफ एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसे स्पेस होता है जिसको साइनस बोलते हैं, जो अपने अपनी जो एयर होता है वो नोज और साइनस मिलके उस एयर को मॉइस्चर देते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। सो उनमें अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो पेन होता है। सो इफ़ यू फील लाइक नोज़ के अंदर आपको जो है वो पेन होना चीक के अंदर, और यहाँ पे हेडेक होना, फ्रंटल हेडेक जिसको बोलते हैं वो हो, तो भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। अदर इम्पोर्टेंट चीज़, लाइक इफ़ यू फील लाइक हैवीनेस इन ईयर और डिक्रीज्ड हियरिंग, और समटाइम्स लाइक वाटरी और डिस्चार्ज, पस डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर और डिक्रीज हियरिंग, बिकॉज अपना जो नोज है, अपना जो ईयर है, वो अपने नोज से एक ट्यूब है, यूस्टेकियम ट्यूब, उससे कनेक्ट होता है। सो व्हेनेवर वी ब्रीथ, जब अपन सांस लेते हैं, तो ये जो ईयर है
उसका नोज़ के थ्रू उस ट्यूब के द्वारा वेंटिलेशन होता है। सो किसी कारण अगर कोई पैथोलॉजी है, कोई डिजीज़ है, सो वो ट्यूब अगर ब्लॉक होती है तो उसके कारण ईयर का वेंटिलेशन नहीं होता, तो कान का जो पर्दा होता है उसके पीछे फ्लूड एक्युमुलेट हो जाता है। उस फ्लूड एक्युमुलेट के कारण क्या होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट नहीं होता और अपने को हियरिंग डिक्रीज होती है, और बहुत बार समय पर अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता सो वो ईयर के अंदर उस ईयर ड्रम में रप्चर होके पस डिस्चार्ज और इन्फेक्शन होके पस डिस्चार्ज का रूप धारण कर लेता है, जिसको CSOM हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। प्रायः ये चीज़ बच्चों में ज़्यादा मिलती है। सो अनदर प्रॉब्लम कि आपको लॉस ऑफ टू रिकग्नाइज अबाउट द गुड स्मेल और बैड स्मेल, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम एनोस्मिया बोलते हैं। लाइक If you suffering from the following problem, बार बार नोज बंद रहना, nasal blockage, nasal discharge, pain in the face, pain in the head, in the frontal regions, foul smelling or like loss of smell. So if you suffering from the following problem, then definitely you can go to the nose surgeon or ENT surgeon, you can the consult for regarding the problem. So he diagnose your problem and give for the proper treatment. So dosto, my nose my life. Next week fir milenge is program mein, and if you have any query regarding the nose, then you can contact on me, my WhatsApp, my Facebook page and on my www.nuxrhinoplasty.com or my website jdhhospital.com. Thank you.